हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेट टिप्स स्मैश प्रेडिक्शन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। तो बहुत ही शानदार मैच हुआ सेकंड टी20 और श्रीलंकन टीम ने जो है शानदार कमबैक करा और मैच जीतने में कामयाब रही। और अगर हम बात करें हम अपने ट्वीट की तो आज जो है हमने बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बुक करा। अगर हम बात करें अपने ट्वीट की तो 5 टिप्स में से एक टिप जो थी वो हो गई वॉइड, यानी कि सूर्य कुमार यादव मैच का हिस्सा नहीं थे। बची 4, चारों की चारों प्रॉफिटेबल रही और इतना शानदार दिन रहा। काफी दिनों बाद हमने इतना जबरदस्त प्रॉफिट बुक करा। मैं आपसे कहता हूं कि आप बने रहिए, पेशेंस रखिए और आपको इसी तरीके से जो है ट्रेड करना है। आप एग्रेसिव ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए, एक डिसिप्लिन में आप ट्रेड करिए तो आप डेफिनेटली, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो बहुत ही शानदार ये सीरीज चल रही है और बैक टू बैक मैचेस हैं क्योंकि कोविड की वजह से ये मैच डिले हो गया था। तो अब 28 तारीख को ही जो दूसरा मैच खेला गया था, अब 29 तारीख को ही जो है फाइनल खेला जाएगा, सेम टाइमिंग और सेम ग्राउंड पर। तो आइए चलते हैं हम फाइनल यानी कि डिसाइडर जो होगा तीसरा मैच उसकी टिप नंबर 1 की तरफ। तो इस मैंने बैक कराया है कि इंडियन टीम की रहेगी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप 1.80 ऑड्स पर। 1600 रुपए का है इस पर टोटल मुनाफा। अगर हम बात करें ओपनिंग की तो धवन और गायकवाड़ करेंगे ओपनिंग और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं श्रीलंका के मुकाबले। तो आप जरूर इंडिया पर अपना स्टेक लगा सकते हैं कि उनकी रहेगी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप। तो वही चलते हैं मैच की टिप नंबर 2 की तरफ। अविष्का फर्नांडो बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। लास्ट मैच में कुछ खास नहीं दिखा पाए लेकिन पहले मैच में काफी अच्छा खेले थे और इस मैच में मैंने उनकी प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक करा है 25 प्लस की 2.10 ऑड्स, यानी कि आपका टोटल मुनाफा जो है वो बढ़कर हो जाता है पूरे 2200 रुपये का। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होती है। अगर फर्नांडो 1 रन मारेंगे इन्हें मिल जाएगा 1 पॉइंट, एक कैच पकड़ लेंगे 10 पॉइंट, अगर गेंदबाजी करते हों तो विकेट ले लें तो 20 पॉइंट इनके खाते में जुड़ जाएंगे। तो ये तरीका होता है प्लेयर परफॉर्मेंस का। तो आइए चलते हैं इस मैच की टिप नंबर 3 की तरफ। तो इस मैंने वह कराया है कि गायकवाड़ जो कि लास्ट मैच में काफी अच्छा खेले लेकिन लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, इस मैच में इनकी भी प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो 27 प्लस की रहेगी 1.83 ऑड्स पर। और इस पर भी मैंने अपना डबल स्टेक लगाया है और इस पर भी टोटल मुनाफा मुझे मिल रहा है 1666 रुपए का। तो आप बने रहें गायकवाड़ के साथ। तो आइए चलते हैं हम टिप नंबर 4 की तरफ। इसमें मैंने बैक कराया कि शनगा जो के हैं श्रीलंका के कैप्टन, उनकी मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक करा है 22 प्लस की और बहुत ही शानदार ये बैट मुझे लगी 1.72 वॉट्स। प्रॉफिट थोड़ा सा कम है 1454 रुपए का लेकिन ये बैट मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट देती है क्योंकि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर पर आप अपना स्टेक जरूर लगाएं। तो आइए चलते हैं लास्ट यानी कि टिप नंबर 5 की तरफ। मैंने भुवनेश्वर कुमार की कर दी है प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक 28 प्लस की 1.83 ऑड्स पर और इस पर भी मुझे मिल रहा है टोटल मुनाफा 1666 रुपए का। बहुत ही बेहतरीन ये बैट लगी मुझे क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जो है वो बल्ले के साथ भी काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हैं। तो ये 5 टिप्स मैंने आपको रिकमेंड करी हैं और आपको कहाँ पर जाके स्टेक लगाना है bet365.com पर। नीचे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए आसानी के लिए एक लिंक डाल दिया है, उस लिंक को आप करिए टैप और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर और वहां पर जाकर आप आसानी के साथ अपना स्टेक लगा सकते हैं और एक बार फिर से अपने दिन को प्रॉफिटेबल बनाकर इस सीरीज को एक अच्छे नोट पर कर सकते हैं खत्म। और ये जो चैनल है क्रिकेट टिप्स स्मैश प्रेडिक्शन, इसको आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है और बेल आइकन को टैप करना भी, क्योंकि तभी आपको पता लगता है कि मैंने चैनल पर कौन सी न्यू वीडियो अपलोड करी है। मैचेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जुलाई के महीने में भी टी20 लीग्स हैं और इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस भी हैं, तो आप इसलिए बेल आइकन को टैप करके रखिए। तो मिलता आपसे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।